दोस्तों बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान हर ईद अपने फैंस के लिए अपनी फिल्म तोहफे के रूप में देते हुए नजर आते हैं, लेकिन लगता है कि इस बार ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होने वाला है। लॉकडाउन के चलते ज्यादातर कामकाज ठप चले हैं और ऐसे में सलमान खान की जो फिल्म जो इस साल ईद के मौके पर रिलीज होने वाली थी उसका बहुत सा काम बचा है, जिसकी शूटिंग अभी होनी भी बाकी। इसकी शूटिंग के बहुत से पार्ट्स अभी तक बचे हैं। आपको बता दूं कि इस ईद सलमान खान की फिल्म राधे द मोस्ट वांटेड भाई रिलीज होने वाली थी, लेकिन लगता है कि अब इसकी रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। भाईजान सलमान खान की फिल्म राधे द मोस्ट वांटेड भाई का लास्ट शेड्यूल की शूटिंग अभी बची है। इसके बाद सलमान खान और दिशा पाटनी का एक सॉन्ग सीक्वेंस जो कि थाईलैंड में शूट किया जा रहा था, इसकी शूटिंग भी अभी बची है, इसकी शूटिंग भी नहीं हो पाई है। वही इसकी वजह से भाईजान द मोस्ट वांटेड भाई का आधा अधूरा काम अभी तक पड़ा है। ऐसे में भाईजान की फिल्म इस साल रिलीज नहीं होने वाली, इस ईद के मौके पर रिलीज नहीं होने वाली है, जिसकी वजह से फैंस निराश होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन काम भी काफी ज्यादा बचा हुआ है। इस साल ईद 23 मई को है, ऐसे में मेकर्स ये प्लान बना रहे हैं कि सलमान खान की फिल्म राधे द मोस्ट वांटेड भाई के नए रिलीज डेट के प्लान बना रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि सलमान खान की फिल्म राधे द मोस्ट वांटेड भाई रणवीर सिंह की फिल्म 83 और अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी के बाद ही रिलीज होने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस साल लॉकडाउन के चलते बहुत से बॉलीवुड फिल्मों को बहुत सा नुकसान झेलना पड़ा है। बहुत से बॉलीवुड फिल्म्स है जो कि रिलीज होने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते इनकी रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दी गई है, जिसमें अब सलमान खान की फिल्म राधे द मोस्ट वांटेड भाई का नाम भी शामिल हो गया है। आपको बता दूं कि कोरोना वायरस के चलते फिल्मी जगत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दोस्तों सलमान खान की फिल्म राधे द मोस्ट वांटेड भाई को लेकर क्या है आपकी राय, आप इस फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड है और अब इसके पोस्टपोन होने पर क्या आप कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।